नमस्कार दोस्तों, आर्टिक स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं, एक नए बैकअप मिक्स के साथ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आप लोगों के पास पहले पहुँचे। तो आज ये जो बैकअप आया है, ये उड़ीसा से आया है, गगन भाई करके एक यूट्यूबर है, ठीक है। उनका नाम कीबोर्ड किंग गगन के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है। तो भाई का ये बैकअप है। तो भाई अपने पर्सनल काम में बिजी रह रहे हैं अभी, तो वो एक खुद भी बैकअप क्रिएटर हैं, तो अभी उनके पास टाइम नहीं है। तो यूट्यूब से थ्रू उनको साइट से मेरा नंबर मिला और चैनल भी विजिट किया भैया ने, और कॉल किया था, बात भी हुई। तो उन्होंने एक टोन दिया है जो कि एक सैम्पल टोन है, और ये थोड़ा मुश्किल रहता है ये टोन को इंपोर्ट करना और कॉपी करना, क्योंकि ये सैम्पल टोन होता है। तो सैम्पल टोन को आज हम मिक्स करेंगे। एक सिंगल टोन है, सैक्सोफोन N3 के नाम से है ये। एक बैकअप है एक्सप्रेस 10 BB करके, आई थिंक 564 नंबर पे है। तो उसका मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ठीक है। और फिर हम चलेंगे आगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको भी अपने बैकअप को मिक्स कराना है, आपके पास अगर 2-3 बैकअप है उनको आपको मिक्स कराना है और एक टोन में या फिर एक बैकअप में डालना है, तो हमको संपर्क करें। आपको डिस्प्ले पे हमारा नंबर शो होता हुआ दिखेगा, तो आप वहाँ से नंबर लेके हमको संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के साथ, और आपकी काम निश्चय किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे। ओके, तो ये मैं आ गया हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे, और मैंने पेन ड्राइव इंसर्ट कर दिया है। और आप अगर हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमको पहले कॉपी करना होता है बैकअप को, जो बैकअप को लोड करेंगे हम कीबोर्ड में, उस बैकअप को पहले हम पेन ड्राइव में डालेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले ही व्हाट्सएप से जो बैकअप आया था उसको कॉपी करके रख लिया है, ठीक है। तो हम चलेंगे मेरे सेक्शन डाउनलोड के फोल्डर में, मेरा सेक्शन है, ठीक है, आर्टिक स्टूडियो यहाँ पे है। और यहाँ पे हम चलेंगे बैकअप मिक्स पे, और भाई का देखिए गगन अनुगुल लिखा हुआ है, तो भाई उड़ीसा अनुगुल के डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कभी फिर से भी किया था 1-2 बारी, ठीक है। तो ये आ गया है जो इनका नॉर्मल बैकअप है, वो बैकअप आ गया यहाँ पे। ओके, और अब हम जो ओरिजिनल बैकअप है उसको भी कॉपी करेंगे। ओके, तो ये भी कॉपी हो गया। अब हम इसको काट देंगे, यहाँ पे होता है यहाँ का काम ख़त्म। अब हम चलेंगे कीबोर्ड की तरफ और पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए कीबोर्ड की तरफ चलते हैं। ये मैंने निकाल भी दिया पेन ड्राइव, यहाँ पे आपको शो हो गया होगा। अब मैं कीबोर्ड को करता हूँ ऑन। मैंने ट्राई किया है आपको डिस्प्ले प्रॉपर दिखे, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे क्लियरली तो आपको दिखेगा। ये जो एक्सटेंडर है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि काम होता रहता है और पेन ड्राइव को लगाना निकालना लगातार जारी रहता है, तो वो पोर्ट ख़राब ना हो इसलिए मैं एक्सटेंडर यूज करता हूँ दोनों कीबोर्ड पे, एक्सप्रेस 10 पे भी 30 पे भी, ठीक है। मार्केट में आपको 150 के आसपास मिल जाएगा एक्सटेंडर। तो पेन ड्राइव लगाने के बाद हम चलेंगे अब यूटिलिटी की तरफ और लोड करेंगे XPS 10 BB और एक हिमांशु, दो बैकअप है। हिमांशु 1 में हमको एक टोन ऐड करना है, देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा होगा बैकअप। अब इसको लोड करेंगे, इसके लिए कुछ समय लगेगा एज यूजल आपको पता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपका टाइम सेव हो। ओके, तो ये लोडिंग ले रहा है, लोडिंग के लिए कुछ समय लगेगा एज यूजल आपको पता है, तो इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोगों को टाइम सेव हो सके। और वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा तो ये आपको ये बैकअप का मिक्स जो है तो आप जान पाएंगे, और जो भी डाउट होगा थोड़ा बहुत आपका क्लियर हो सकेगा। और काम भी कराना होगा तो डिस्प्ले पे नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कभी भी कर सकते हैं किसी भी समय, ठीक है। तो ये मैंने ऑन करके परफॉर्मेंस सेक्शन पे गया, ठीक है। वॉल्यूम को थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया, और यहाँ पे हम एक छोटा सा साउंड ट्रायल लेंगे और थोड़ा सा जूम आउट करके इसका साउंड ट्रायल लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे साउंड कर रही है। Thank you.
अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, ये भी सिंपल है। तो हमको क्या करना है, जो यहाँ पे है सी फोर में, तो हमको उसको मिडिल पे लाना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा साउंड अच्छा नहीं आ रहा है। तो अपर में जो साउंड है उसको हमको मिडिल में लाना है, ठीक है। अब हम आ गए हैं फिर से लैपटॉप के स्क्रीन पे, ठीक है। अब हम ओपन करेंगे जूनो डीआई एडिटर और उस जो परफॉर्मेंस को हम यहाँ पे रीड कराएंगे, रीड करके इसको सेव करेंगे। ओके, तो ये मेरा जूनो डीएस में है, मतलब एक्सपीएस 30 में कनेक्टेड था, तो इसको मैं सेटअप में जाके चेंज करूँगा और उसको रीड कराऊँगा फिर से। ओके, रीड करने पे यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे देख सकते हैं सैक्सोफोन N3, और इसी को हमको कॉपी करना है हिमांशु 1 जो बैकअप है उसमें। रीडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें 3 सैंपल यूज हुए हैं, एक बेस के लिए, ठीक है, और 2 यूज हुए हैं सैक्सोफोन के लिए, ठीक है। तो हमको तीनों को कॉपी करना है। माफ करना, ये वाला फोल्डर नहीं है, यहाँ पे मुझे ध्यान नहीं था, तो हम इसको बैक करके, ठीक है, फिर से चलेंगे जो सेक्शन है फोल्डर का, और भाई का जो फोल्डर है बैकअप के अंदर, उस बैकअप में हमको क्रिएट करना है फोल्डर, ताकि बाद में कभी भी ये काम आ सके, ठीक है। एक्सपीएस 10 गगन अनुगूल 31 जुलाई, ठीक है। यहाँ पे सिंगल टोन पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक फोल्डर का नेम क्रिएट करेंगे जो बैकअप के नाम से होगा, ठीक है। बैकअप का नाम थोड़ा सा देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक्सपीएस 10 BB करके है, तो हम उसी नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा बैकअप से हमने टोन उठाया था। तो वहाँ पे हम क्लियरली रीनेम कर देंगे उस फोल्डर का और उसी के अंदर ही टोन को सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ फोल्डर का नाम। ओके, ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको रीनेम कर दूँगा, कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दूँगा सेम नेम से। ओके, तो ये सेव हो गया। और फिर से हम चलेंगे अगेन कीबोर्ड की तरफ, क्योंकि कीबोर्ड से हमको और एक बैकअप लोड कराना है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे यूटिलिटी वापस से, फिर से उस बैकअप को रिस्टोर करेंगे जिस बैकअप में हमको ये टोन को ऐड कराना है, ठीक है। यूटिलिटी मेन्यू में जाके हम उस बैकअप को लोड करेंगे हिमांशु 1, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एज यूजल, इसको भी मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। ओके, तो कंप्लीट हो गया है ये। ऑफ करके हम ऑन करेंगे कीबोर्ड को, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरलुक करा दूँगा बैकअप का, कि इसमें कौन कौन सा टोन आप देख सकें, और एंड में काफ़ी सारे जगह खाली है इसका, ठीक है। देखिए, तो हम इसको 14 नंबर पे ऐड करेंगे, 13 के बाद 14 खाली है, तो हम यहाँ पे ही ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलेंगे वापस लैपटॉप की तरफ, और मैं यहाँ पे चल रहा हूँ मेरे 10 PC पे डाउनलोड, आर्टिक स्टूडियो पे जाना है, देन फिर बैकअप मिक्स। ओके, यहाँ पे आर्टिक स्टूडियो मिक्स है, 3 फोल्डर है यहाँ पे मेरे। तो 10 पे चलेंगे और ओपन करेंगे गगन अनुगूल, ठीक है। भाई ने काफ़ी पहले भी काफ़ी बारी मिक्स किया है मेरे से, तो ये वाला टोन मैं डाल रहा हूँ, ये थोड़ा सा ये था, और टाइम भी नहीं हो रहा है मुझे वीडियो बनाने का, काम बहुत आ रहे हैं, तो आप सबका प्यार है ये, ठीक है। तो अब ये ओपन होने के बाद जूनो डीआई एडिटर को ओपन करेंगे, रीडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे इनिशियल परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे इनिशियल ही है परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे ही शो करेगा। आप इसको ओपन करने से पहले, हाँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा पीछे जाके कि इनिशियल परफॉर्मेंस ही वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको जैसे हम ओपन करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो रीड ले लेगा कीबोर्ड। तो देखिए कीबोर्ड पे इनिशियल परफॉर्मेंस था, जैसे ही इसको ओपन किए
ऑटोमेटिकली ये आ गया सेक्सोफोन, ठीक है, ये 64 नंबर पे ही शो करेगा क्योंकि उस वाले बैकअप में ये 564 पे ही था, तो जिस नंबर पे होता है वही नंबर होता है। तो इसका एक डेमो टेस्ट ले लेंगे। और ये थोड़ा अजीब बज रहा है क्योंकि इसमें सैंपल की कमी है, ठीक है, जो सैंपल चाहिए वो सैंपल इसमें है ही नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन कौन सा सैंपल चाहिए। ये दो सैंपल है जिसको हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है काम ओके, हमने सैंपल इंपोर्ट कर दिया है और टोन को सही कर दिया है। तो इसके बाद हम ना एक फिर से ओवरलुक करेंगे कि सेव होने के बाद, सब प्रोसेस होने के बाद ये कैसे साउंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा LED की जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लीन दिखे। देखिए यहाँ पे वही बैकअप है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, 614 पे ही बैकअप है ये, 614 पे ही ये टोन है। तो इसका एक डेमो टेस्ट लेंगे आफ्टर सब कुछ जो क्लीन करने के बाद ये कैसे साउंड कर रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि दोनों टोन में कोई अंतर अगर आपको लग रहा है तो हम ट्राई करेंगे उसको फिर अच्छे से ठीक करने का। मेरे ख्याल से दोनों टोन एकदम सेम है क्योंकि मैंने भी उसको रिकॉर्ड करके फिर से सुना था, तो मुझे सेम लग रहा है। फिर भी अगर आपको डिफरेंस लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मिक्स के रिलेटेड कोई भी काम हो, कीबोर्ड के रिलेटेड कोई भी काम हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं, डिस्प्ले पे हमारा नंबर है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए नए वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। और अगर आपका भी कोई बैकअप मिक्स कराना हो, आप भी कीबोर्डिस्ट हैं और आपके पास 2-3 बैकअप है या फिर किसी बैकअप में से 3-4 टोन आपको पसंद है और एक बैकअप में आपका जो मेन बैकअप है उस बैकअप में आपको उसको इंसर्ट करना है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे। धन्यवाद।